दोबारा मैं अयोध्या में आया हूँ। पिछले साल भी आया था, तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था पहले मंदिर फिर सरकार। आज शिवसेना के सारे सांसद यहाँ मौजूद हैं। कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहाँ मंदिर बनेगा ही बनेगा। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन आते तो रहूंगा और मंदिर भी बनेगा। पहले भी मैंने यही कहा था कि अदालत में पिछले कई सालों से मुद्दा उसी के ऊपर चर्चा बहस होती रही है। आज भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका यही कहना है कि अब सरकार तो मजबूत सरकार है, हम साथ हैं, रोकने वाला तो कोई है नहीं। मोदी जी उनमें ये हिम्मत है और वही है सरकार जो अब वहां बसी हुई है, बन रही है। ये सरकार अगर निर्णय लेती है तो रोकने वाला कोई नहीं होगा, हम तो साथ रहेंगे और पूरे देश का हिंदू, विश्व का हिंदू इस निर्णय के साथ होगा, साथ देगा। हाँ, तो हिंदुओं की एकता कायम बनी रहे और यही कारण है हमने कभी महाराष्ट्र के बाहर चुनाव नहीं लड़ा। हिंदुओं के हित के बीच में हम कभी आए नहीं, लेकिन आज और इसके पहले भी मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ कि जिस भावनाओं से हमने गठबंधन बनाया उस भावनाओं को अगर आगे लेके जाना है तो यहाँ मंदिर तो जल्द से जल्द बनाना ही होगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो सरकार है हम साथ में है, सब मिलकर ये मंदिर हम बनाएंगे। शिवसेना के सांसद पहुंचे हैं रामलला के दर्शन को। उद्धव ठाकरे के साथ पूरा का पूरा 18 सांसदों का दल आया है। शिवसेना का मानना है कि पिछली बार जब उद्धव ठाकरे आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो जीतने के बाद जरूर आएंगे। इस वक्त ढेर सारे सांसद इस वक्त मौजूद हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। उन सबों से पहले हम पूछते हैं, सर आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि अयोध्या आप लोग एक साल के भीतर आपका दूसरी बार आप आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम उद्धव जी आए थे अयोध्या राम मंदिर का निर्माण की मांग करने के लिए। इलेक्शन के पहले जब भी मन्नत की थी उद्धव जी ने, मेरे सांसद जब भी महाराष्ट्र में चुन के आएंगे शिवसेना के, तो मैं सभी सांसद को लेके यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। ये मकसद पूरा हो गया, हम लोग दर्शन के लिए आएंगे। किसी और भी लोग हैं, ये बताइए आप, लगता है कि अब मंदिर बनेगा? जरूर बनेगा, पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालु की मांग है मंदिर बनना चाहिए। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी और निश्चित रूप से मंदिर बनेगा, मंदिर का निर्माण होगा। कहा जा रहा है कि शिवसेना के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि न्यायालय जो है अब खुद मोदी और शाह हैं। आखिर आप लोगों को क्या लगता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, आज तो पूरी जोरों शोरों से इस सरकार की स्थापना फिर से एक बार हुई है। 2014 से ज्यादा बहुमत जो है इस सरकार को मिला है और जो लोगों को आश्वासित इस सरकार ने किया था लास्ट टाइम, मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस साल, इस 5 साल के कार्यकाल में जरूर इस राम मंदिर की स्थापना होगी। सर आप बताइए, आप लोग कल से आ चुके हैं यहाँ पर, धर्म संसद, संत सम्मेलन सब कुछ हो चुका, अभी भी मामला अदालत में है। आप लोग को लगता है कि अदालत से ही ये सुलझेगा या फिर कोई कानून लाना पड़ेगा? हमारा पूरा भरोसा है, विश्वास है माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के सरकार के ऊपर और पूर्ण बहुमत से सरकार है। सद्भाग्य से उत्तर प्रदेश में भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जरूर इसके ऊपर वो इलाज करेंगे और जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण करने की शुरुआत करेंगे। तो ये सांसद थे सब शिवसेना के, जिनका ये मानना है कि अब मोदी और योगी की सरकार है और जल्द से जल्द निर्माण शुरू होगा।